गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों ने टेस्ट से पहले लेसन टू तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग लेसन थ्री शुरू करेंगे। दिस इज द लता मंगेशकर, द क्वीन ऑफ मेलोडी। ठीक है, चलो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये वो हमारे देश की बहुत ही मशहूर गायिका लता मंगेशकर के बारे में है। मैं रीडिंग लगाता हूँ, आप इसको पढ़ेंगे। इट वॉज 28 सितंबर 1929। ये दिन था क्या? 28 सितंबर 1929। अ हैप्पी डे फॉर द मंगेशकर फैमिली। मंगेशकर फैमिली के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। शी इज आवर फर्स्ट बॉर्न। ये हमारी पहली औलाद है, अ बेबी गर्ल, एक छोटी सी बेटी। वॉट शैल बी नेम हर? शेवंती। हम इसका क्या नाम रखें? शेवंती। पंडित दीनानाथ मंगेशकर लुक फॉन्डली एट हिज डॉटर। अपनी पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी बेटी को देखते हुए बोला अपनी पत्नी से। लेट अस कॉल हर हेमा, सेड द हैप्पी मदर। माँ ने क्या कहा खुश होकर के? किसका नाम इसको हम लोग हेमा बुलाएंगे। बट अ फ्यू डे लेटर्स, पंडित दीनानाथ हैड अनदर आइडिया। कुछ दिन बाद पंडित दीनानाथ को एक अलग आइडिया आया। ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। वो एक क्लासिकल सिंगर थे और एक थिएटर पे आर्टिस्ट, मतलब कि नाटक करते थे थिएटर्स में। देयर वॉज अ फीमेल कैरेक्टर कॉल्ड लतिका इन अ प्ले ही वॉज एक्टिंग इन। वहाँ पर एक लड़की थी जो लतिका, जिसका नाम था, जो वहाँ पर एक्टिंग करती थी। शेवंती, आई वॉन्ट टू नेम द बेबी लता। शेवंती, मैं इसको इसका नाम लता रखना चाहता हूँ, इस बच्चे का नाम। सो द बेबी वॉज नेम्ड लता, तो उसका नाम लता। लता शोड पोटेंशियल इन एक्टिंग एज वेल एज म्यूजिक व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग। जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसने अपना पोटेंशियल किस में दिखाया? गाने में और एक्टिंग में। एंड स्टार्टेड एकम्पेनिंग हर फादर टू द स्टूडियोज। अपने पिता के साथ जाना शुरू कर दिया कहाँ? स्टूडियोज़ में। एट द एज ऑफ 5, 5 साल की उम्र में शी बिगेन टू एक्ट इन हर फादर्स म्यूजिकल प्ले। अपने पिता के एक म्यूजिकल प्ले में उनने 5 साल की उम्र में काम भी किया। द पेरेंट्स ऑल्सो गॉट हर एडमिटेड टू अ गुड स्कूल। उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन कराया एक बहुत अच्छे स्कूल में। पंडित दीनानाथ वॉज सरप्राइज टू सी दैट द चाइल्ड स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर हर फर्स्ट डे। ही आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट द मैटर वॉज। पंडित दीनानाथ जो मंगेशकर थे वो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि पहले दिन जाने के बाद उनकी बेटी स्कूल ही नहीं जा रही है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि बात क्या है। शेवंती कुड नॉट हाइड अ स्माइल। जो उनकी पत्नी शेवंती थी वो मुस्कुराना छुपा ना सकी। वाई डोंट यू आस्क हर योर सेल्फ, शी रिप्लाइड। उसने उन्हें जवाब दिया कि आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे। लता, Why have you not been going to school? लता, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? पंडित दीनानाथ asked his daughter. पंडित दीनानाथ ने अपनी पुत्री से पूछा। Well, बाबा, I was only teaching song to the other children and the teachers stopped me. I have decided not to go to school because they would not let me sing. बाबा, मैं वहाँ पर एक बच्चे को गाना सिखा रही थी और मुझे टीचर ने रोक दिया। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगी जहां मुझे गाने नहीं दिया जाता ना। देखो उसको गाने से कितना प्यार था, लता मंगेशकर को। पंडित दीनानाथ कुड नॉट हेल्प बट स्माइल एट द लिटिल गर्ल्स डिटरमाइंड आंसर। वो कुछ कर नहीं सकते थे, बस वो मुस्कुरा के रह गए उसके उत्तर पे। इन 1942 व्हेन लता वॉज जस्ट 13, 1942 में जब लता मंगेशकर 13 ईयर्स की थी, हर फादर डाइड ऑफ हार्ट डिजीज। उनके पिता को हृदय के रोग की वजह से उनकी देहांत हो गया। बाय दिस टाइम देयर वर 4 मोर चिल्ड्रेन इन द फैमिली। इस समय तक उनके घर में 4 और बच्चे थे, मीना, आशा, उषा एंड हृदयनाथ। द फैमिली फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी एट दिस टाइम। उस समय बहुत मुश्किलों के वो गुजर रहे थे, मुश्किलों का सामना कर रहे थे। अ क्लोज फैमिली फ्रेंड विनायक दामोदर कर्नाटकी केम टू द फैमिलीज हेल्प। उनके बहुत ही करीबी मित्र विनायक दामोदर कर्नाटकी जो थे वो उनकी मदद के लिए आए। ही वॉज द ओनर ऑफ फिल्म कंपनी। वो एक फिल्म कंपनी के मालिक थे जिसका नाम क्या था? नवयुग चित्रपट। एंड हेल्प लता गेट स्टार्टेड इन हर कैरियर एज अ सिंगर एंड एक्ट्रेस। और उसकी
गायक मतलब कि गायक बनने में, सिंगर बनने में और एक्ट्रेस बनने में मदद करने लगे। इन द अर्ली ईयर्स लता सॉन्ग सैंग फॉर मराठी फिल्म्स। स्टार्टिंग के दिनों में लता मंगेशकर ने मराठी फिल्मों के लिए गाया। व्हेन विनायक्स कंपनी मूव टू बॉम्बे, जब विनायक कंपनी जो थी वो बॉम्बे की तरफ आई इन 1945, शी ऑल्सो शिफ्टेड टू बॉम्बे, वो भी बॉम्बे आ गई। शी स्टार्टेड टेकिंग लेसन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड बिगेन रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स इन हिंदी। उन्होंने हिंदी क्लासिकल म्यूजिक की, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा लेनी शुरू की, और क्योंकि वो हिंदी में सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकें। विनायक दामोदर खत्री डाइड इन 1948 एंड गुलाम हैदर अ रेपुटेड म्यूजिक डायरेक्टर बिकम लताज मेंटर एंड गाइड। 1948 में जो विनायक दामोदर खत्री का भी देहांत हो गया और गुलाम हैदर जो थे वो लता मंगेशकर के मेंटोर बने, उनके गुरु बने और गाइड बने। ही रिक्वेस्टेड अ वेल नोन प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी टू गिव लता चांस इन फिल्म शहीद। उन्होंने उस समय के बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे शशधर मुखर्जी, उनको बोला कि आप लता को चांस दीजिए अपनी फिल्म में। लता हैज़ अ यूनिकली मेलोडियस वॉइस मुखर्जी, इफ़ यू गिव हर चांस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। मुखर्जी, लता का बहुत ही एक यूनिक मधुर स्वर है, वॉइस है, उसको चांस दो तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। मुखर्जी डिसमिस द रिक्वेस्ट, मुखर्जी ने उनकी बात नहीं मानी और बोला कि ही हर वॉइस इज टू थिन, उसकी आवाज़ बहुत पतली है हैदर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक मुखर्जी, शी हैज़ अ गोल्डन वॉइस। हैदर बोले कि तुम गलती कर रहे हो मुखर्जी, उसकी बहुत ही मधुर आवाज़ है। मार्क माई वर्ड, मेरे शब्दों को नोट कर लो, अ डे विल कम वैन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर विल कम टू हर एंड बेग हर टू सिंग इन देयर फिल्म्स। एक समय आएगा जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उसके पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मेरी फिल्म में गाओ। आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे की रीडिंग करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप लोग इसकी रीडिंग करके रखेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय।